अक्सर हम शादी ब्याह, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी फंक्शन रहता है तो उसमें 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये या ऐसे ही 1 रुपये बढ़ा कर के ही हम दक्षिणा के रूप में, गिफ्ट के रूप में या न्योता के रूप में शगुन की तरह देते हैं। पर क्यों 1 रुपया? क्यों हम 10, 20, 50, 100 या 500 रुपये भी तो दे सकते हैं, तो 1 रुपये ही क्यों या 1 रुपये और लगाकर क्यों देते हैं? 1 रुपये ना दे तो ऐसा क्या हो जाए? तो आज हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रुपये शब्द का अर्थ रूपा से जोड़ा गया है, जिसका अर्थ होता है चांदी, और संस्कृत में रुपयकम का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। रुपये शब्द का उपयोग तब किया गया जब शेरशाह सूरी द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए। उस समय 40 चांदी के सिक्के 1 रुपये के बराबर होता था, और इस रुपये के साथ आना का भी आविष्कार हुआ। उस जमाने में लोग शादी ब्याह, पूजा पाठ जैसे शुभ अवसरों पे 20 आना दान करते थे, जिसकी कीमत 1 रुपये 25 पैसे होती थी। बाद में रुपये की कीमतों में बदलाव आया, जिससे 20 आने में भी बदलाव आया, और यह बदलाव सम संख्या यानी इवन नंबर में था, जिसके लास्ट में 0 आने लगा और शून्य को अपशगुन माना जाने लगा। अपशगुन मानने के बहुत रीजन थे, जिनमें से एक यह था कि जो 0 नंबर है उसका मतलब यह भी होता था कि लेन देन का व्यवहार खत्म। मतलब 0 नंबर लगाकर शगुन देने का मतलब यह था कि इसके बाद से हमारे बीच कोई लेन देन का व्यवहार नहीं होगा। तो इस 0 को हटाने के लिए लोगों ने 1 रुपये का यूज किया, और यहीं से शुरुआत हुई 1 रुपये की, 1 रुपये बढ़ाकर शगुन देने की रस्म की, और तब से यह आज तक प्रचलन में है। और एक रीजन यह भी है कि जो शगुन देते समय हम मूलधन देते हैं, जैसे कि 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये, वो उनकी ज़रूरत के लिए दिया जाता है, और अलग से जो 1 रुपये देते हैं ताकि वो उसे बुरे वक्त के लिए बचा के रखें या किसी काम में लगा दें, ऐसा हम मानते हैं। इसी तरह शगुन के ये रुपए मुसलमान भी वैसे ही देते हैं जैसे हिंदू देते हैं। तो ये थी सारी कहानी 1 रुपये की, क्यों हम 1 रुपये बढ़ाकर शगुन में देते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके लाल वाली बटन टीप लें। थैंक यू।